गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों में घिसाव शुरू होना। एक ह्यूमन बॉडी में घुटने के जोड़ में या नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, जिसमें घुटने के जोड़ में घिसाव होने के कारण दर्द शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले हम ये बात जाने कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है, इसका कारण क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक उम्र के बाद सबसे कॉमनली होता है, वो है 40 साल। 40 के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोगों में शिकायत घुटने का दर्द और सूजन आना, ये शिकायत होना शुरू हो जाती है। जनरली इसका जो कारण होता है उसमें मोटापा मुख्य रूप से होता है। मोटापा होने के कारण अपनी बॉडी का पूरा लोड शरीर पे पड़ता है, शरीर का पूरा लोड घुटने के जोड़ पे पड़ता है, जिससे घुटने के जोड़ में घिसाव होना शुरू हो जाता है। दूसरा अनुवांशिक कारण भी होता है, जिसमें बच्चों में या जन्म से जिनके पांव अंदर की तरफ होते हैं या टीबिया बोन जो है कुछ अंदर की तरफ होती है, इसको टीबिया वेरा बोलते हैं, वेरस डिफॉर्मिटी, तो उसके कारण भी जो है घुटने के जोड़ में घिसाव शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरा जो लोड है वो नी जॉइंट के मीडियल एस्पेक्ट पे आता है। तो ये मुख्यतः कारण होते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ लक्षण की तरफ अपन देखें कि आखिर ऑस्टियोआर्थराइटिस को जानेंगे कैसे कि हमारे को घुटने के जोड़ में घिसाव शुरू हो गया है या हमारे को जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। तो इसके लिए मरीज को सबसे पहले सीढ़ी चढ़ने उतरने में दर्द होना शुरू होता है, फिर उसके बाद उसको आलती पालती मारने में दिक्कत आती है, उसको पेन होता है, वो उकड़ू नहीं बैठ पाता, इन सब लक्षणों से इसकी शुरुआत होती है। क्योंकि इन सब चीज़ों से घुटने के जोड़ में घिसाव होना शुरू हो जाता है, जिससे दर्द होता है। घुटने के जोड़ में घिसाव शुरू होने का की शुरुआत जो है वो बीच में एक गद्दी होती है जो फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, जिसको मेनिस्कस बोलते हैं। एक उम्र के बाद वो घिसना शुरू हो जाता है, उसके घिसाव के कारण जो है दोनों हड्डियां पास आ जाती है और घुटने के जोड़ का घिसाव शुरू हो जाता है जब वो गद्दी पूरी तरह से घिस के ख़त्म हो जाती है। तो ये इसका मेनली लक्षण है कि घुटने के जोड़ में अंदर की तरफ दर्द होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके इलाज की। अगर 40 से 45 साल की उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, 50 की उम्र में या 60 की उम्र में हो गया है, तो मरीज को क्या शुरुआती इलाज दिया जाए कि वो उसको आराम मिल जाए या वो ठीक हो जाए। अगर हम इसको शुरुआती तौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोसिस बना लेते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और सही ढंग से मरीज अगर ट्रीटमेंट लेता है तो पूर्णतः वो ठीक हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले फिजियोथेरेपी यानी कि घुटने के एक्सरसाइजेस, गर्म पानी का सेक या जो आजकल नए लेटेस्ट स्प्रे या फिर ऑइंटमेंट आए हैं उनके एप्लीकेशन, साथ में घुटने के मोजे, नी कैप, इन सब का यूज़, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक्सरसाइज होती है, क्योंकि दिस इज़ मैकेनिकल, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक मैकेनिकल कॉज है जिसमें घुटने के जोड़ या हड्डी में घिसाव होने के कारण दर्द शुरू हो गया है। इसके साथ साथ दर्द को कम करने की टेबलेट्स भी आती है जो शुरू में हम देते हैं ताकि दर्द कम हो जाए और एक्सरसाइज मरीज कर पाए, उसके बाद धीरे धीरे बंद कर देते हैं। इसके अलावा ग्लूकासेमिन, डायसेरिन, रोज एक्सट्रेट टाइप की कई ड्रग्स आती है जो घुटने के जोड़ के अंदर जो है चिकनाई कम हो जाती है उसको बढ़ाती है, और इसके अलावा जो घिस गए हैं जोड़ उसको वापस से स्मूथ करती है, रिकंस्ट्रक्शन करती है, वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करने में मदद करती है। इन सब का यूज़ भी फायदेमंद होता है। अब हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर इससे कैसे बचा जाए कि हम एक उम्र का पड़ाव भी पार कर लें और हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने के जोड़ का घिसाव शुरू भी ना हो। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका वजन या आपका वेट जो है कंट्रोल में रखें। ज़्यादा वजन नहीं रखने से घुटने पे जोर नहीं बढ़ेगा। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, घुटने के जोड़ की एक्सरसाइज करें, रोज़ घूमें, नियमित रूप से वॉकिंग या जॉगिंग भी करते रहें, इससे मांसपेशियाँ मजबूत होगी और घुटने के जोड़ में घिसाव नहीं आएगा। इन सब सावधानी रखने से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं। धन्यवाद।